सीधे अब चलते हैं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, अतीक अहमद को इस तरीके के लाना, इसके क्या अपराधियों के लिए संकेत है, इसके राजनीतिक संकेत क्या है? और आपसे ये भी समझना चाहूंगा, वो अतीक अहमद जो बड़े एक साधारण परिवार से आता था, संघर्ष करके जो गुजर बसर हुआ, वो हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? नमस्कार दीपक जी और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। अतीक पुत्र फिरोज तांगेवाला, आपने बिल्कुल सही कहा, सामान्य संसाधन, अशिक्षित, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसका एक ही कारण है, राजनैतिक सजीवन बूटी और ऑक्सीजन। राजनैतिक व्यक्तियों ने इनको वो ऑक्सीजन और सजीवन बूटी दी कि जिससे आज ये एक भस्मासुर हो गए हैं और एक समस्या बन गए हैं शासन प्रशासन के लिए। लेकिन न सिर्फ ये बढ़े, इनका कद बढ़ा, और अगर वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेता इनके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं और अतीक अपने कुत्ते को लेकर के जो पॉलिटिकल मंच था, डायस, वहां तक जा सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं कि अतीक का रसूख और अतीक की पहुंच कहां तक थी। इसको कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं था, और यही कारण है दीपक जी कि आज इनका एक वर्चस्व प्रयागराज में था। अब जिस तरीके से लाए गए हैं, जिस तरीके से भय और आतंक इनके चेहरे से साफ टपक रहा है, झलक रहा है, ये कुछ भी कहें कि मैं डर किस बात का, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है दीपक जी, स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क, जैसे छोटे बच्चे अंधेरे में सीटी बजाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सीटी बजाने का शौक है, बल्कि इसलिए कि वो भयाक्रांत हैं। अतीक और उसका गिरोह पूरी तरीके से भयाक्रांत है, क्योंकि ऐसी टंकार के साथ उद्घोषणा कभी नहीं हुई, मिट्टी में मिला देंगे। और ये कहीं किसी ऐसी वैसी जगह नहीं, सदन के पवित्र पटल के ऊपर ये घोषणा की गई, तो आज नहीं तो कल। और जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो सीसीटीवी में थे वो कहां गए, अरे ओसामा बिन लादेन, सारी दुनिया लगी थी, वर्षों लग गए, अंततोगत्वा निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? ददुआ ठोकिया 40 साल चले, अंततोगत्वा निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? अंतिम सवाल दीपक जी, यूपी पुलिस की गिरफ्त से आज तक कोई आज तक बचा हो, सुल्ताना से लेके आज तक, माधव सिंह, मोहर सिंह, ददुआ ठोकिया, पोथी, छविराम, महावीरा, शिवराज, नेक्से, सबके इलाज जैसे थे देवता वैसा पूजन हो चुका है, और ये भी जैसे देवता है वैसा पूजन इनका भी होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। विक्रम जी, आपने बिल्कुल सही समझाया, पिता तांगे वाला बिना पढ़ा लिखा हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, रसू कितना कि अपने कुत्तों को राजनीतिक रैलियां में मंच पर ले जाया करता था अतीक अहमद। एक सवाल मैं विक्रम जी से और लेना चाहूंगा। विक्रम जी, मेरा सीधा सवाल है, कई लोग इस बात की बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि एक महीने बाद भी पुलिस शूटर्स और बमबाजों तक नहीं पहुंच पाई, क्या आप इसे पुलिस की असफलता नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूं, ये कोई सामान्य जेब कतरे या उठाईगीर नहीं है, ये शातिर दिमाग के पेशेवर अपराधी हैं। इन्होंने अपना प्लान बी और भागने के रास्ते पहले तैयार कर लिए थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि इनका भागना और पलायन ही इनका सेल्फ गोल होगा। ये भाग जाते हैं तो साम्राज्य भी गया, रसूख भी गया और ठसक भी गई। और दूसरी तरफ अगर पुलिस के सामने आते हैं तो भी, इनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इनके दीपक की भागने के सारे रास्ते समाप्त हो चुके हैं। अभी तक इन्होंने ऐसे दुर्दिन देखे नहीं थे, अब जब देख रहे हैं, इनको खुद मालूम पड़ेगा दीपक जी कि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया है, और लेने के देने पड़ जाएंगे इन लोगों को। और अभी क्या है, अभी तो जब 100-100 लोगों की टीम बनेगी, इनके इश्तेहार और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लेके जब जाएंगे और दौड़ाएंगे, समझ रहे, नेपाल में सुरक्षित है, बांग्लादेश में सुरक्षित है, दुबई में सुरक्षित है, वास्तविकता दीपक जी है ये कहीं सुरक्षित नहीं है। और जहां पर हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, जहां पर हमारा हर चीज खुलासा नहीं करना चाहिए, आपके चैनल को सब लोग देखते हैं, आपके प्रोग्राम को सब लोग देखते हैं, लेकिन जिस तरीके का हमारा नेटवर्क हिंदुस्तान में है, वही नेटवर्क हमारे हमदर्दों का और जगहों भी है, और ये जहां कहीं होंगे इनको खींच के वैसे ही लाया जाएगा सलाह के पीछे, जैसे हिंदुस्तान में अतीक को किया गया है। ठीक है, मैं सीधे कपीश श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपीश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी, दो आपने राजनीतिक तौर पर मुद्दे उठाने की कोशिश की, बयान किसका याद है? अखिलेश का याद नहीं है, जो सवाल ये पूछ रहे थे कि माफिया कैसे इतना छुट्टे हाथ हो गया कि उसने एक आदमी का खुलेआम मर्डर कर दिया, लेकिन बयान वो याद है, मिट्टी में मिला दूंगा,
बयान रामगोपाल जी का ये याद किया जा रहा है, योगी जी का बयान याद किया जा रहा है, बयान ये याद किया जा रहा है रामगोपाल जी का, जिन्होंने एक तरह से उसमें पुलिस वालों को धमकी दी थी कि आप ये समझ लीजिए अगर इनकाउंटर होगा, फर्जी होगा, तो इंक्वायरी भी होगी, सरकार बदलेगी तो अधिकारी ही नपेंगे, राजनेता नहीं नपते, ये बात रामगोपाल जी ने कही थी। तो ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है? गलत नैरेटिव के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, ये आपको नहीं लगता कपीश जी? जी जी दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ तो कानून के आगे मुल्जिम को मिट्टी में मिलाना चाहिए, लेकिन कानून से मिलाना चाहिए। अगर आप उससे पहले चाहे जिन कारणों से गाड़ी पलट जाए या पलट दी जाए, उससे व्यक्ति साबित नहीं होता कि उसने वो दोष किया था। इसलिए इस देश के कानून के साथ न्याय होना चाहिए, वो हम सबको करना चाहिए। और कपीश जी, ये मैंने माना कानून ये कहता है कि जब तक आरोप साबित ना हो जाए एक व्यक्ति बेकसूर है। जो लोगों का कहना है कि उमेश पाल की गवाही के बाद दोष साबित हो जाएगा, ऐसे में उसे फांसी की सजा भी मिल सकती है, क्योंकि फिरौती के लिए रंगदारी, इसके मामले में अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण जो है वो उसके लिए सजाए मौत दी जा सकती है। Z News.